सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धू चौक में हुई इस घटना के बारे में मृतक गोपी चौहान के पिता ने बताया कि 9 नवंबर की रात उनका पुत्र काम से घर वापस लौटा था। उसी दौरान उनके रिश्तेदार अमरजीत चौहान, पंचानंद चौहान, निरंजय चौहान और दीपक चौहान किसी के साथ विवाद के साथ हो हल्ला कर रहे थे। इसी बात का विरोध उनके द्वारा किया गया, जहां उन चारों ने मिलकर के उन्हें खींच कर घर से थोड़ी दूर ले जाकर के जमकर मारपीट की। इस दौरान एक व्यक्ति ने एक बांस लेकर के उनके पेट पर घोप दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने रेफर कर दिया, जहां पे मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम कराया गया है और इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। क्या घटना है, कैसे इनकी मौत हुई? एक घटना हुआ, ये बिरयानी हाउस से काम करके आए, ठीक है, 6,000 रुपया इनको मिला, लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे चार लड़का से हल्ला कर रहा था, ठीक है, उसको बोले यहाँ पे हल्ला क्यों कर रहा है, बांध पे जाके हल्ला करो, ठीक है, उतना है, मैं चारों लड़का इसको खींच के ले गया बांध के, उस पर मार के इसको गिरा दिया एकदम। जी, एक घटना 9 तारीख 9 बजे रात की है जी। इसके बाद इसको कहाँ लेके गए? इसको हम सदर अस्पताल ले गए, उसके बाद थाना ले गया, थाना में केस नहीं लिया, कागज उठा के फेंक दिया। उसके बाद जी इलाज के लिए गए, ज्यादा देखे गंभीर है तो उसके बाद वो बोला कि मैं मेडिकल रेफर कर दो। कितना दिन इलाज में रहने के बाद? इलाज में नहीं, 2 दिन रहने के बाद, 10 तारीख को हुए थे भर्ती जी। 10 तारीख को रात को मौत हुआ? जी नहीं, आज 11:40 में मौत हो गई, आज के दिन जी। अभी अभी पोस्टमार्टम हुआ था जी? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ था, हाँ, पुलिस आया हुए था। चार लड़का जो मारा है जी, उसको पहचानते? जी पहचानते हैं। क्या नाम है? एक का नाम है अमरजीत चौहान, दूसरा का नाम है पंचानंद चौहान, ठीक है, तीसरा निरंजन चौहान और एक का नाम है दीपक चौहान। ये चारों लड़का भी है? अब ये तो पता नहीं, हम तो सर विजित है अभी लाश को लेके, अभी कहाँ है नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं। घटना जी हम पुलिस कंप्लेन दर्ज कर दिए हैं। अब क्या मांग है, क्या चाहिए? मांग मेरा इतना है, हमको इंसाफ चाहिए बस। शादीशुदा थी जी? हाँ, शादीशुदा है उसका, वो बीवी है, एक लड़का है 2 साल का, उसका पालन पोषण कौन करेगा? सारा घर इन्हीं की जिम्मेदारी।